चॉकलेट मूज विद स्ट्रॉबेरी रिपल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम डार्क चॉकलेट, 50 मिलीलीटर दूध, 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी, 25 ग्राम चीनी और 100 ग्राम फिटी हुई क्रीम। टू स्टार्ट ऑफ वी पुट द चॉकलेट अगेन इन द डबल द चॉकलेट इन द डबल बॉयलर। या जस्ट लीव इट देयर। इसको मेल्ट कर लिया हमने मूज बनाने के लिए। वी स्टार्ट डूइंग द स्ट्रॉबेरी रिपल फॉर द मूज। So you add the strawberries, fresh cut strawberries, and looking really, really, really nice and delicious. Can I have one? Yeah. Thank you. The sugar, a little water. Okay. So fresh strawberries में डाली गई है sugar और थोड़ा सा पानी. पर हमें इसको एकदम mash नहीं करना जैसे हमने first recipe में wild berries को mash किया था. नहीं. पानी के अंदर एकदम. No, you don't need to mash it. It gives a nice little bit of texture in the mousse when you. प्लेट दैट इज़ इसको हम कुक कर रहे हैं जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए एंड उधर चॉकलेट मेल्ट हो रही है। हाँ एंड नाउ इज एनीथिंग एल्स साथ में तैयारी करनी है? बस ये जैसे कुक हो जाएगा हम इसको हटा के वीव कॉट लिटिल मिल्क उसको हम बॉईल करके इसमें डाल देंगे चॉकलेट में डाल देंगे में डाल देंगे मेल्टेड चॉकलेट में। बॉयल आ चुका है और बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करना होगा बिकॉज इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस रहने थे और वी नीड इट रियली रियली सॉफ्ट। नहीं नहीं इतना ही काफ़ी है नहीं तो ये सारा मैश हो जाएगा तो मैश हो जाएगा। सो इसको हम आँच से हटा लेते हैं और बस इज दिस और मिल्क का हल्के से बॉयल दूध डाल दिया एंड दूध में भी हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। इसको हटा डाल दिया जाए इसमें इसको हम इसमें से निकाल देंगे। द बर्नर हॉट और इसमें हम साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं व्हिप्ड क्रीम। जो क्रीम आती है मार्केट में उसे आप अच्छे से फेंट लें ताकि उसके अंदर हवा चली जाए वो हल्की हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब आप क्रीम मिला सकते हैं उसमें। टेल मी व्हेन टू स्टॉप। दैट्स इट। दैट्स इट। या एंड नाउ इज इट अ कट एंड फोल्ड। या रेडी है ये अब तो अब इसे हम सेट करेंगे। या ओके लीजिए। आप इसको बोल में या किसी और भी चीज़ में इफ़ यू हैव अ स्क्वायरिश काइंड ऑफ अ बोल उसमें भी डाल सकते हो। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू सेट इट एंड गिव इट अ शेप। नो हियर व्हाट वी आर डूइंग इज हम इसको स्कूप निकाल के सर्व कर रहे हैं। या तो शेप से कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट दैट हमें किसी बर्तन में डीप कंटेनर में उसको करना है। ठीक है हमने आधा सा आधा डाला है एंड देन वी एड द स्ट्रॉबेरीज। ओके इन द मिडल स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे। इज अ सिंकिंग इन चॉकलेट एंड strawberries a bit more of the strawberries mm-hmm. We are just using the pieces we're not using the syrup actually. Okay now again pouring the rest of it just the final touch of it finish topping the mousse and then isko aap freeze kar loge 1-2 ghante aur fir aap और अगर हम प्लेन मूज बना रहे हैं चॉकलेट मूज बना रहे हैं तो दिस इज द वे वी मेक अ मूज। या इट्स अ सिंपल एंड अ नाइस वे बिकॉज़ दिस मूज इज कंप्लीटली एगलेस। इट हैज नो जेलेटिन नो एग इट्स जस्ट चॉकलेट एंड ओके क्रीम। तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। दिस इज योर रेडी मूज। ओके ओके दिस इज हाउ इट लुक्स। सो वी कैन स्कूप द मूज इन द मार्टिनी। Okay. You can do it even in glass bowls or chocolate cigar. A chocolate cigar. Okay, cool. So this is ready? Yeah. All right. Thank you for these badhiya badhiya recipes. तो आप ट्राई कीजिए सारी रेसिपीज और साथ ही नोट कीजिए इस मूज का झटपट सा रिकैप और ठंडा कर ले। डबल बॉयलर में चॉकलेट पिघला ले, दूध को उबालकर पिघली हुई चॉकलेट में मिलाएं, इसमें फिटी हुई क्रीम मिलाएं और मूज तैयार करें।
एक गहरा बर्तन लें, इसमें थोड़ी मूज डालें, ऊपर से पकी स्ट्रॉबेरी डालें। इसके ऊपर बची मूज डालें, इसमें थोड़ी मूज डालें, ऊपर से पकी स्ट्रॉबेरी डालें। इसके ऊपर बची मूज डालें और 2 से 3 घंटे तक फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। जमने के बाद तैयार मूज के स्कूप निकालकर मार्टिनी ग्लास में सर्व करें।